हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो जो है बहुत भाई लोग ने कमेंट कर रहे हैं कि हमारे तीतर पालते हैं भाई, वो उसको मृत्यु हो जा रहा है यार, हम पाल कर परेशान हो गए हैं। एक दो बार नहीं, दो तीन चार बार हम पाल रहे हैं, लेकिन हमारा तीतर तो यार मतलब कि मरने के जैसा हो जाता है। फिर उसको हम जंगल में जाके छोड़ देते हैं, हमको लगता है कि ये मरने वाला है, फिर हमको अच्छा नहीं लगता है। हम क्या करें यार, हम उसको दाना वगैरह तो दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं, पर तीतर हमारे यार पिंजरे में रहता ही नहीं है, मतलब मर जाता है यार कभी कभी, और अथी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आज उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है, और आप लोग ध्यान से देखें, आपके तीतर जो है किसी तरह से आप लोग बच्चे पकड़े, बड़े पकड़े या कुछ भी पकड़े, आपकी तीतर जो है बढ़ेगा और अच्छे से तेज़ी से आवाज़ देगा और आपके अच्छे लगेंगे। और अभी तीतरों की मौत नहीं होगा दोस्तों आपसे, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग पूरी तरह से देख लें, समझें कि क्या करना है और कारण किस कारण से मर जाते हैं दोस्तों, उसको भी हम आपको लोग को बता देंगे। भाई बहुत सारे तीतर पालने का शिकारी और बहुत सारे का भाई लोग जो हैं बहुत तरह का प्रयोग करते हैं शौक से, शिकारी से, बहुत तरह तरह का। तो जितने भी भाई हमारे देखते हैं और अगर देख रहे हैं भाई और बोलते होंगे कि भाई ये क्या बता रहे हैं तीतर पालने की, तो दोस्तों हमारे नहीं बताने से और बताने से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हम नहीं भी बताएंगे तो जो पालते हैं वो ऑटोमेटिक पालेंगे, और नहीं जानेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो को हम बनाते हैं ताकि उन लोग के पास पहुंचे इस मैसेज और थोड़ा जान जाए, तो ताकि अगला दिन उनके दूसरे तीतर मौत ना होए, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम आपको फटाफट बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो बहुत जन ऐसा करते हैं, जंगलों में जाते हैं, देखते हैं तीतर के बच्चे रहते हैं, और तीतर के बच्चे रहते हैं तो तीतर को बच्चे को पकड़ के लाते हैं, और पकड़ के लाने के बाद में क्या करते हैं, उसे डायरेक्टली उसे किसी टोकरी वगैरह या किसी चीज़ में, बर्तन वगैरह उस चीज़ में ऐसा जल्दी रख देते हैं, और रखने के बाद में क्या करते हैं उसको ढक देते हैं और उसको कुछ दाने दे देते हैं दोस्तों। लेकिन आइंदा आपकी 25 से 30 दिन तक छोटे बच्चे को क्या क्या देना है जानते हैं, आपको मात्र दीमक देना है दोस्तों। दीमक जो गोबल में रहते हैं, लकड़ियों में रहते हैं, जमीनों में लकड़ी का दीमक बनते हैं, उसे आप 25 से 30 दिन छोटे बच्चे को खिलाएं जी। मतलब कि 25-30 दिन के बच्चे जो हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, छोटा सा रहेगा, उसके पंख भी नहीं रहेंगे, उसको खिलाना है। तो 25-30 दिन के बाद आप लोग 30 दिन के 35 दिन करीबन, अगर मान ली 2 महीने तक दीमक अगर खिला लिए दोस्तों, तो तीतर का एनर्जी काफ़ी हो जाएगा और कभी तेज़ी से बढ़ भी जाएगा, और बढ़ने के बाद में वो छोटा सीस बोलने का शुरू कर देगा, क्योंकि दीमक में इतना गर्मी है, वो इतने अच्छे दाने हैं ना तीतर के लिए, बहुत बेस्ट है दोस्तों, उससे और कोई बेस्ट हमको लगता ही नहीं है। तो दोस्तों ये छोटे बच्चे को खिला के बढ़ाने का बात है। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम बड़े दाना दे देंगे, जैसे कि चावल दे देंगे, धान दे देंगे, तो खाएगा नहीं खाएगा, क्योंकि उसका मुंह तो देखबे कर रहे, तो छोटी से रहता है, तो दोस्तों एक खाएगा ना, उसके बाद उसको क्या होगा कि गड़ने लगेगा, तो अंदर में चोट वगैरह आ जाएगा, उसके बाद वो धीरे 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 लड़ जाएगा। तो इस तरह होता है दोस्तों। तो आप छोटे बच्चे को उस तरह का ना दें, आप जो है दीमक का प्रयोग करें। आप दोस्तों बहुत भाई लोग इतने कॉमेंट करते हैं, भाई जंगल में हम बड़े तीतर लेकर आए हैं और उसके मैदान है दोस्तों, काफ़ी तेज़ी से आवाज़ दे रहा था, तो हम उसे पकड़ लिए, उसके बाद हम इसको पालने की इच्छा कर रहा है, तो हम इसको कैसे पालें यार, हमको तो पालते हैं लेकिन ये तो मतलब पालन नहीं मानता है, सर में मुड़ वगैरह निकालता। अब दोस्तों निकलाएगा तो नहीं करेगा, अब वो तो समझदार हो चुका है, वो आदमियों को देख के डरता है। अब उसके बाद आप पिंजरे में ला कर उसके लाए और डाल दिए, वो का कि सबसे तो भद 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 करने लगा, पंख वगैरह उचारने लगा, सर वगैरह में चोट लगने लगा एकदम उसको, उसके बाद उसके गमछा वगैरह सा किसी से हम लोग चेदर वगैरह से ढक दिए, उतने करते हैं और दिन करता होगा। उसके बाद करने के बाद में फिर जब खोलते हैं चारा वगैरह देने के लिए, कुछ खाता पीता है ये नहीं है, कभी कभी बैठ के तो झूक रहा है इसी से, अब क्यों झूक रहा है पता है, उसके जब छटपटाता होगा पिंजरे में तो लग रहा होगा यार इधर उधर, और डेने वगैरह में उसको दर्द भरा हुआ, इसीलिए झूठ रहा है, कुछ देंगे तो खाएगा, मतलब वो तो आधा बेहोश हो चुके हैं, तो कुछ खाने पीने के देंगे तो खाएगा, नहीं खाएगा यार कहाँ से खाएगा। तो दोस्तों आप बताइए, अब तो बोलिएगा कि भाई तो बताइए अभी कोई रास्ता जो हम उसको कैसे करें और कैसे पालतू बन सकेगा, तो दोस्तों उसका भी रास्ता है दोस्तों, आपको हम बता रहे हैं कि कैसे करना है, मान लीजिए तो उसका भी रास्ता है, आप देखिए कैसे करना है, उसको क्या करना है दोस्तों। पिंजरे में तो आप आइंदा नहीं डालें, ये चीज़ आप कान में रख लें, चाहे जितने भी भाई देख रहे हैं, डायरेक्टली पिंजरे में डालने से तीतर कभी नहीं रहेगा, अगर किसी के चांस अगर रह गया तो रह गया, नहीं तो एकदम ही चांस नहीं रहेगा दोस्तों। आपको क्या करना है,
जंगल से आप तीतर लाए हैं, बड़े तीतर, मान लीजिए 1 साल, 1.5 साल की है, 2 साल की है, 3 साल की भी, जितने बुढ़ा है, और वो बहुत तेज़ी से आवाज़ देता है। आप सोचते हैं कि मेरे तीतर अगर रह जाता ही बन जाता तो काफ़ी तेज़ी से बोलता है और इसको हम पाल लेते हैं ना, यही ना सोचते हैं। तो चलिए उसको क्या करना है पता है, आपकी किसी रस्सी धागे वगैरह में उसको पैर को बांध दें, बांधने के बाद ईंट वगैरह ले लें और उसे खुद के रखें, और खुदने के रखने के बाद दोस्तों उसको चोंच जो होता है वो खुद से तो नहीं खाएगा, लेकिन आपको 15 से लेकर 30 दिन 1 महीना तक आपको क्या करना है, अपने से चोंच में थोड़े से दाने चावल, और चावल कौन से खिलाना है दोस्तों, तो रहता है देहात का चावल होता है, मार्केटों में बेचाता है ना, वो चावल को मत खिलाइए, उसमें केमिकल दिया रहता है, कीड़ा नहीं लगेगा कह के उसमें केमिकल दिया रहता है दोस्तों, क्योंकि उससे वो कीड़ी लगते हैं और कीड़ी लगने के डर से लगाया रहता है चावल में, तो केमिकल डराया रहता है, तो उस चीज़ को हम लोग खिलाएंगे तो कुछ नासा फल पकड़ेगा तीतर को, और अगर बराबर खिलाते खिलाते नहीं तो उससे मर जाएगा। तो इसलिए आप लोग क्या करें, कुछ चावल वगैरह खिलाएं, कुछ बजरा वगैरह खिलाएं, कुछ मड़ुआ वगैरह खिलाएं, कुछ गेहूं वगैरह खिलाएं, और नहीं तो फिर मक्का कुछ चूर करके खिलाएं, और दिया तो खाएगा नहीं, वो तो अपने से उठाए घास सब पकड़ाएगा, नहीं पकड़ेगा चल पाता है ना। अब उसके बाद में आप लोग को सबसे बेस्ट बता रहे हैं कि आप लोग को नहीं उसको चीज़ खिला पाएगा तो डेली खिलाने लगेगा, तो जैसे कि झाड़ियों वगैरह में रहता है दोस्तों, तो फटेंगा बोलते हैं हम लोग, कॉकरोच बोलते हैं छोटा छोटा फटेंगा, तो उस चीज़ को आप लोग ला के उखाड़ के खिला दीजिए 10-12, पेट भर जाएगा, और उस चीज़ को वो लोग बहुत बेस्ट मानते हैं, मांस है। तो दोस्तों तीतर तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों रहते हैं, तो दोस्तों उसको पूरा खिलाएं, और आप लोग तीतर को धीरे धीरे 1-1.5 महीना के बाद पिंजरे में आप रखेंगे तो उतना वो छटपट आएगा नहीं, तो ज़्यादा चोट नहीं लगेगा, और आप दियों पे अगर आप डाल दीजिएगा और ढक दीजिएगा तो वो टप 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 खाएगा, और आपकी तीतर जो फीमेल है वो अच्छे से रहेगा। आप बोलेंगे कि नर तीतर को कैसे करें मेल को, आप तो फीमेल को बताएं, भैया उसी तरह करना है, सेम टू उसी तरह करना है, मेल और फीमेल में अंतर क्या है, तीतर है, आपको उसी तरह से सेम टू करना है, आपकी तीतर एकदम बोलने लगेगा, जानते हैं ना, उसके बाद आप जंगल में रख दीजिएगा ना तो उसका तबीयत अच्छा रहेगा, तो टांग दीजिएगा तो ऑटोमेटिक तेज तीतर बोला जाता है, वो बहुत तेज़ी से बोलता है, तो वो तीतर का आदत है दूसरे तीतर का आवाज़ को सुनेगा, उस समय आपको ऑटोमेटिक आवाज़ देने लगेगा। तो दोस्तों आई होप हमारी वीडियो में आप लोग को कुछ समझ आए, अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह का हम रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं आप लोग के लिए कुछ न कुछ, ताकि आप लोग भाई लोग देखें और कुछ कुछ ज्ञान सीखें, और अच्छा भी नहीं लगता है दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक ठोक दीजिएगा यार, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके बनाते हैं आप लोग के लिए, और आशा करते हैं कि हमारे भाई लोग कभी अच्छे कभी बुरे वीडियो तो आते रहेंगे, क्योंकि भाई रोज़ रोज़ थोड़ा सा फनी वीडियो बनाने नहीं सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।